नमस्कार दर्शक बंधु, आज शुणा सर्प को क्षमा दे महावीर। वास्तव में से सर्प को कौन क्षमा दे? आम सर्प कौन बा सर्प को कहीं क्षमा दे से विषय गोटे कहानी द्वारा आम शुणा। प्रथम आगे मनीष ये मनीष सर्प हेले ना सर्प को सर्पर मनीष हेले जानवा आगे टिके आम से सत्य पथ भितर निज को टे हजे नवा। आरे मन ए आरे मन केते दिन आउ दौड़ीबु, आरे मन केते दिन आउ दौड़ीबु, दौड़ी दौड़ी तो पद छिड़िला, दौड़ी दौड़ी तो पद छिड़िला, संसार रु तू कौन नेबु, आरे मन केते दिन आउ दौड़ीबु, आरे मन केते दिन आउ दौड़ीबु, आरे मन केते दिन आउ तू दौड़ीबु। ए मनीष दौड़ी 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 काईकि ना कौटी मते पद दरकारे, कौटी मते प्रतिष्ठा दरकारे, कौटी मु ऊपर महला को जीवी जो पड़ी छिंदी जाइछि। एटी कहउछि मन अभिमान पछरे गोड़ाई शत्रु अरजिलु संसारे सबु, शत्रु अरजिलु संसारे सबु, पद पछे दाई हजाइलु नींद हजी गला तोर विवेक सबु, हजी गला तोर विवेक सबु, अज्ञानी होइछु मायारे पड़िछु, अज्ञानी होइछु मायारे पड़िछु, एमिति का केते दिन भूलिबु, आरे मन केते दिन कले। मान अभिमान पद प्रतिष्ठा पाई ही आज लोक कौन कर शत्रुता। गोटे बड़ आश्रम से आश्रम रे जड़े महात्मा अच्छा सब बड़े जिते बड़े देखिए गोटे पद दरकार, गोटे प्रतिष्ठा दरकार, मत गोटे पद मिलू। आश्रम टी अच्छी गोटे कि बस्तीर निकटर अच्छे से आश्रम टी से आश्रम जी संचालक किछि दिन पई से बाहर को जाय छथि टिके बुली। जेतबेले जाय छथि सेही समय रे आज्ञा जिए टिके तांको तळु को थांदि गुटे दायित्व देकी जाय थां निश्चिंत। सेही अनुसारे से कोन करि छथि ना चंड कौशिक सेही साध ऋषि को ना बा सेही महात्मा को ना से चंड कौशिक को दायित्व देकी जाय छथि। कहिले तुम्हें टिके दायित्व तुले देबो मु 3 दिन पई बाहर को जाऊँ। ये साधक थिले किंतु मन भितर आज मत मिली जाइए कह कि टे क्रोधी स्वभाव कथा कथा के पूरा क्रोध तांकर सब पंचम उपरे थाए। आमर जमी भागवत कहा जाए ए कामना क्रोध लभ जे नरकर तीन द्वार से गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकर कामना क्रोध लोभ जदि आम भितर रहुची सी हूँ नरकर द्वार किंतु साधु हेले भी सी ताकू छाड़ी पारि ना दायित्व रहीगले। से दिन कौन है ना अन्य लोक मैंने जे पाखे था जे टे क्रोधी ताकू छिड़ेवा को लगे आज तो गुरुदेव नहा छिड़ेवा सी कौन करते गोटे कणरे बस जप करूँ कि लोक मैंने हो हाला कले आस कौन मंदिर को आसी आरती सर आरती परे परे टिके पाटी दुंड चलती प्रथम पदे चुप रही आरे लोक गुड़ा कौन जाऊना आरती तो सरला ये घर कथा शाशु घर कथा ये कौन कथा होती चुप रही जप कर लोक मैंने आहरी टे कथर छुआ मैंने हो हाला करदे से रागिकी पूरा उठिले सब तड़ी तड़िका ने जाओ सब समस्त कहीकि
गेट बाहर को तड़ी तड़िका नेले समस्ते बर्तमान जीवे साधना करा जीव तड़ी 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 नहीं गेट बाहर जो छाड़ दे माने क्रोध एत जोर हो जाए हठात संध्या हो जाए छाड़ी बुली पड़ी जो आसुच्च हठात कौन कहला जो खुंटा थी से खम्बरे मुंडटार ये कान मुंडा पाखटा पिटीगला ढाक जो पिटीगला से सांग सांग पड़गले जीवन वायु से प्राणवायु उड़ी गला आश्रम सारा लोक आगे आश्चर्य अरे हठात जप करुले सांगे सांगे गले छाड़ापी लोक मान कहीं रागिले हठात कौन है लोक मैंने कहला आज्ञा आम कई किसी कहनु आम कहलु आम किए कहला चपलटा अच्छी किए कहला ये अच्छी जीव आउ थे आणवी किए कहला फुल डालाटा अच्छी कितु महात्मा जमा शुणिले समुद्र ठेला पेला कर बाहर हठात बुले पड़ा बेलू मुंडे बाजिला चलीगले आई मरीगले यो आसक्ति जो मोह थिला से मोह जाई नथिला लोभ थिला ना मु पदवी रे रही हठात पदवी के आसु आसु आज मरीगली पदवी प्रति लोभ अच्छी से भागवत कहुई प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ता जानी गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद तमसे अज्ञानी हुवंती कुकर्म पथ लड़ु थांती गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद कले जेतबळे मनीष भितरे मला बेले जो भावना थाए से पुनर्बार से ही भावना आसे जदि तामस शक्ति थाए तामसिक शक्ति थाए ताले आउ टी तल लेवल को आसती बातरे कुकर्म भी बढ़ी जाए पुनर्बार आसक्ति थिबा जोगु से आश्रम पाखापाखी जन्म हेले जोटी जार आवश्यकता थाए ठीक खोजी खोजी जेंदी पहुंची जाए हाँ जेंदी कहते हाथी सुना कलश तारी ऊपर ढाले जी राजा हम समय अनुसार सब कथा ठीक ठाक हो जाए ठीक सेमिति जेतबले से चंड कौशिक पुनर्बार जन्म होकर बड़ होती ना कहीं कहले कहे से लोकटा तो भल पूजा पाठ करुच्ची राति पाइले जेहेतु तपस्या थिला ना मन भी अच्छी राति पाइले बसिक भजन कीर्तन करती लोक मैंने देखती हाँ सब बड़े भगवान नाम नौ था बहुत लोक था भगवान नाम नहीं था कि भितर किसी था माने मनरे गोटे बाहर गोटे बास सेमती दोनों मरी लोक था तेणु तखे जा खबर पहुँचला तुम्हें आमर मंदिर आम आश्रम अध्यक्ष हम जमी शुणी मु आश्रम अध्यक्ष हमी जमी सत्य कि गोड़ उठे बसी आगे सांगे जा पहुँचे आसी पहुँची गले हाँ आज्ञा मोर कौन से दिधा ना मुझे राति पाइले एतिकी माला जप करे एया काम करे सेया काम करे सब बड़े भगवान ही भगवान मो जीवन रे आउ किछि नै सब बड़े भगवान मु पूरा एकदम भगवत प्राप्ति मते लोक माने कहले आउ रही जांतु अध्यक्ष हौ हौ देखंतु दर्शक बंधु अमन भाई सुमन भाई ये जेतेबेले अध्यक्ष एकरी पुणी सेई भितरे एंट्री करि गले पुणी पहुँची गले से गेट भितरे पहुँचु पहुँचु पुणी पूर्व कथा सब मन पड़गला आउ पुणी सेई भावना तांक भितरु से जमी सतसंग भी अच्छे से क्रोधटा भी सेमती भितर अच्छी जाइन सी बसी चेयर पक मुझे अध्यक्ष ठीक से ही दिन पाने आसी पिजुली खायापी आश्रम भितर पहुँचे कहे ए कौन कर पचारिक चल पिला पूरा रागिले पिला कहे आज के किए कौन थे ये केन वाला को डाला एमती होमपुर कहीकि पाने कौन कले दौड़ा दौड़ी किए डाल एपटे किए सेपटे दौड़ा दौड़ी डेईले सब जमी पलैगले ये कौन कर पछे पछे चपलटा पिंधे गोटे बाटा धरले पछे पछे दौड़िले कौन है ना बस्ती रे सबुदिन पाने रोच बस्ती टाक से माने देखी किंतु ये तो देखी ना बस्ती की केवे जाए ना बस्ती रास्ता टाक केमी जानवे अमन भाई सुमन भाई जो पछे पछे गोड़े गोड़े पूरा कौच जो रास्ता टा तुम्हें जान नदी रेस अच्छी आप गाड़ी आगे गोटे खाल अच्छी कौन हम ठीक कथा पाने दौड़ चिल्ल भाया पलैले ये बड़ लोकटा कौन भाया दौड़ पारे कि ये जो दौड़ की जाइए आगे गोटे कू खाला थी कूटा से कूर दुल्किन पड़ी गले कहीं देखी ना पाने तो पार लोकटा आउला आंक पचर आउ कहीं दौड़ ना संध्या हो जा बस्ती लोक मैंने कहीं देखिए ये कूर पड़ी गले जो कूर पड़ गले आउ किए शुण पाने पल आउ राति बस्ती लोक मैंने आसवे कहीं बाहर को बस्ती कहार काम अच्छी शीत समय कहीं आईले ठीक से कू भर भी मरी गले आसक्ति केमिया जिनस ये कह
लोभ मोह अहंकार काम क्रोध ओ मत्सर लोभ मोह अहंकार काम क्रोध ओ मत्सर सड़ी पुकारी थाए मानव को छार खार सड़ी पुकारी थाए मानव को छार खार कुमार्गे जाए बुद्धि अजे मानव कुमार्गे जाए बुद्धि अजे मानव कुमार्गे जाए बुद्धि अजे मानव जो सड़ी पु अच्छी काम क्रोध मोह अहंकार आउ मत्सर ये सड़ी पु जो मनीष भितर अच्छी जदि से त्याग न करी ताले कु मार्गरे जीव से मनीषर बुद्धि की भी हजे दबो ये क्रोधरे एते जोरे जाउछनी आगे कु अच्छी देखना पड़गले पुणी राम नाम सत्य जेतबेले सत्य हेगला सरी मरिथिले आउ थरे भी मरिगले एटा किंबदंती रे पूरा एकदम रहीची काहे कि ना जेतबेले पुणी थरे मरिगले कोन करिवे एथरो क्रोधटा जोरे तंग भीतर रहीगला अरे ए पिला माने मते पके मारिदेले से उठु से कोन जन्मले ना साप होइकिरी जन्मले जेतबेले साप होइकिरी आसीले सेई रहीले सेई कोडी से बस्ती रे आउ आसी पालेनी मंदिर जाके से बस्ती भीतर रहीले जिए गला ताको मारिला जीए गले ताकु मारी देले माने एत्ते क्रोधित होले जे लोक माने आउ बस्ती पटे जीवा पई इच्छा कलेनी कले आमे गले सेडी विषाक्त गोटे बड़ो साप अछि विराट बड़ो साप से मनुष्य को देखी देखी मारी दउछि आमे केई जीवन आउ लोक माने जीवासिया कलेनी काहा को मारिबे सापर त काम होला जेहेतु आंक भितर ए काम क्रोध लोभ मोह आंक भितर रही जाइछि ये कोन कले ना कोनोसी गच्छ गोटा देखले गच्छ को जाइकिरि फणा मार दे से गच्छ मरि जइबो को माटी की देखले जदि लोक पाइले नि आउ के लोक आसुना दिसे माटी रे बारंबार फणा मार दे माटी भी बंजर हो गला किंतु जेहेतु प्रथम रे से फास्ट थरक से तपजप थिला सेकेंड थरक तपजप पई आसला गोटे चांस दिया आइतला काली ये मुख्य पाई जीव किंतु पुणी से क्रोध को संगे आनीतिले पुणी तळु को आउ टिके खसी गले एठी भागवत रे कह जाय छी कचिन जे काले तम वृद्धि हुए से काले जेबे जीव जाए गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद पशु पक्षी असारी रूप जोनि रे जन्मे से प्रत्यक्ष गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद एठी भागवत रे भी कुआ जाउची जे काले मनीषर तम शक्ति वृद्धि हे जाए सीए जितेबले जी सी मरी जाए पशु नले पक्षी नले सरीसृप होकर सी जन्मग्रहण करवल प्रतिशोध नापी से पुनर्वार जन्मग्रहण कले आतीशोधपी से गच्छे मटी किंतु जहाँ भी हेल्ले भगवान चिंता करती कौन ना समस्त प्राणी मोर भल ये कौन ना महावीर जैन से गोटे कम अच्छी से जीवे से बस्ती देकरी से जंगल रास्ता देकरी से जीवे से निर्विकल्प से चली 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 बस्ती लोक मैंने अटकई दे आज्ञा हाँ हाँ शुणु आज्ञा महात्मा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम ए रास्ते जातुनि ये बहुत विपद संकुल रास्ता कले कहीं कले ये गोटे विराट बड़ सर्प अच्छी मनीष को अधा बाटर देखला मैंने फ करके आस से मनीष जिते बाटर दौड़ा चेष्टा करू से मार ही मार महावीर शुणिले टे आखि बंद कर मन पकड़े ये किए अच्छी गोटे सर्प कौन सब लोग मारिदे कले ठीक अच्छे महावीर सब लोग कहले कले आपण मैंने चिंता करूनी जदि मोर जीवार थी मुझे जीवि कहीकर आगू चलिए जितेबले से बस्तीर पार हो जंगल भितर को पशिं से सर्प कौन कर विराट बड़ गच्छे पूरा सबूत अनेक रही था बस्ती आड़ किए आसब कारण एपटे पा आउ रास्ता ना जंगलटा एपटे कई लोक आसबे गोटे पटे आसवे सी अनेक गच्छे एमती पूरा पड़ी रही देख ला गोटे लोकटा आरे ए लोकर के सास ए लोक सीधा मो आड़ मड़ जा लोकर टे डर भय ना आरे तथा से फ फ गर्जन कै महावीर जैन किसी चिंता कले चलिए से पुणी गर्जन कले आरे ये लोकटा पुणी मड़ी कि महावीर कहते कौन करुचु कर किसी चिंता कले निर्विकल्प
ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଇଏ ଠକିନି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ଗଛରୁ ଆସି ତଳେ ଯେଉଁପଟେ ମୁଁ ଯେଉଁପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ତାଙ୍କରି ପାଦ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ମହାବୀର ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ଲୋକଟା ଏତେ ବଦମାସ, ଟିକେ ବି ମୋତେ ଭୟ କରୁନି, ମାନେ କ୍ରୋଧରେ ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆସିଛି ମାନେ ମାରିବି। ଏଇଠି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସତ କର୍ମେ ଥାଏ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ନରକାଦି ପଥେ ଯାଏ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବନ୍ତେ ନିଚ ଜୋନି ପାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି କ୍ରମରେ ଭୋଗୁ ଥାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଏତେ କାମ କ୍ରୋଧ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମହାବୀର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର 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 ତିନି ଚାରି ଛୋଟ ପକାଇଦେଲା, ମାରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମହାବୀର ଜନ୍ୟ ଭଗବାନ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ତା'ର ସେଇ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତିନି ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଥିଲା, କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଅଧକ୍ଷ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ସରୀସ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସାପ ଜନିରେ, ହେଲେ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଦଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି, ସେତେ ସମୟରେ ସାପ ମାରୁଛି ମାନେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁନି, କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧକୁ ସବୁ ମହାବୀର ଜନ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କ୍ଷୀର ଆକାରରେ ସବୁ ବାହାରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦେଖିଦେଇ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି, ଇଏ ଆଉ ଭଗବାନ ନୁହଁ ତ, ସାପର ବି ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ଆଉ ଭଗବାନ ନୁହଁ ତ, ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ମାରିଛି, ଜମିରେ ମାରିଲେ ଜମି ହେଇଯାଇଛି ବଞ୍ଜର, ଗଛକୁ ମାରିଛି ତ ସେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି, ପୁରା ଶୁଖା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ମାରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଛି କି ଏଇଠି ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ମାରିଲି ଇଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବତା କହିକିରି ସେଇଠି ଏମିତି ତାଙ୍କର ସାପ ତ ସିଏ ନା ପଡ଼ିଗଲେ। ମହାବୀର କହିଲେ, ଏଇ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲଣି ଟିକେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଲ, କ୍ରୋଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆଇଲ, ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ, ନିଜ କର୍ମରେ ବସେ ଜୀବ ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧରେ କରେ ଠାବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମଣିଷ ଯଦି ତାର କର୍ମରେ ବସ ହେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଭିତରେ ଯଦି ବସ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ଯଦି ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇ ଖରାପ କାମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକା ହେଇକିରି ଆସିବେ, ଡକା ହକା ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ 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 ବାଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଭାଗ। ଏଇଠି ମହାବୀର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିଗଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରୁ ସେଇ କର୍ମଟା ଗଲାନି, ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ତୁମ ଭିତରୁ ଗଲାନି, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲ, ଆଜି ମଣିଷରୁ ଯାଇକିରି ସର୍ପ ଜୋନିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲ। ଏବେ ଯେତିକି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିପାରିଛ ତ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଇ ଜନ୍ମର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଅମନ ଭାଇ ସୁମନ ଭାଇ, ମଣିଷ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧଟା ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ କରୁଣା ହେବ ସେଦିନ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଭିତରୁ ପଳେଇଯିବ।
ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଭଗବାନ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଦରେ ମୁହଁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ଆଜି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭିତରୁ ସେଇ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ କାଢ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କର, ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ତ ଜନ୍ମ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ତୁମ ଭିତରୁ ସେ କାମ କ୍ରୋଧ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁମେ ଆଗ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ କର ଆଉ କେବେ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସେ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବ, ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ତିନି ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କରି ଯାଇ ସାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କାମ କରୁଥିବା କିଛି ହେବ ନାହିଁ? ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ପୋକରୁ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ଵ ହେବ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ତପସ୍ୟା କରି କରିକି ଆସି ସର୍ପଯୋନିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯଦି ମହାଭାରତର ଅନୁଶାସନ ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇପାରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ବି ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ କୁକୁର ହେଇପାରିବା, ପୋକ ହେଇପାରିବା, କାହିଁକି ନ ହୋଇପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବା, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତାପରେ ମଣିଷ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବ କେତେବେଳେ? ସବୁ ଜନ୍ମକୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ୟା ଭିତରୁ ଯେତେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ଆଜି ଆଉ ଭଲ ଜୋନି ପାଇବା, କର୍ମ ଯେତେବେଳକୁ କମ୍ 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 ଆସି, ଗୀତା କହିଛି, ଭାଗବତ କହିଛି ଯେ ନିଚ ଜୋନିକି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆମକୁ ଏ କାହାଣୀକି ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।